हाई एवरीबडी, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया व्लॉग। सो टुडे इज 18th ऑफ डिसंबर सैटरडे एंड आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। वेल हूँ डेफिनेटली अपने लिए नहीं बट सौरभ और कबीर के लिए, बिकॉज आज उनका एक फन डे आउट है, सन एंड डैड डे आउट होने वाला है आज। सौरभ इज टेकिंग कबीर फॉर समथिंग दैट ही इज रियली रियली क्रेजी अबाउट। तो आप में से जिनके बच्चे सुपर हीरोज के फैन हैं उन्हें पता होगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम ये जो मूवी है ये रिलीज हो गई है, थिएटर्स में लग गई है। एंड सौरभ कबीर को आज लेके जा रहे हैं 11:30 शो के लिए ताकि उसको मूवी दिखा सके, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड कबीर इज लाइक अ बिग टाइम स्पाइडरमैन फैन। उसको ऐसा लगता है वो खुद ही स्पाइडरमैन है, सो ही हैज़ टू सी कि क्या नई नई चीज़ें स्पाइडरमैन कर रहा है ताकि वो भी घर आके कर सके। सो दैट्स गोना हैपन टुडे। अभी बज चुके हैं 9:30 और दोनों बाथ ले रहे हैं, एक्साइटेड हैं। एंड मैं, मॉम और नूर ऑब्वियसली घर पे ही रहेंगे, बट हम भी देखेंगे हम दिन में क्या करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट डू हिट द लाइक बटन एंड आई रियली होप सौरभ कुछ कुछ रिकॉर्ड कर सके ताकि मैं भी देख सकूँ उन्होंने मेरे बिना क्या मस्ती करी थी। ऑब्वियसली थोड़ा सा लग रहा है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, बट ओवरऑल आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम दैट दे आर गोना हैव अ फन डे। सो लेट्स गेट द डे स्टार्टेड। Whoa, that's a spidey. And you will ask, what are you getting from the mall? Spider-Man, you're my super Spider-Man. So we are super excited for the movie. Aur Kabir bhi bilkul subah subah utke ready ho gaya. Kabir, chale papa. We are watching Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home, here we come. That's awesome, Kabir. You're a big boy now. Wow, that's awesome. Peter Parker. It is. Wow, that's a beautiful Christmas tree, Kabir. What is that? Because I don't have all of these masks. Achha, that's why you're bored. Yeah. You want these masks? Yeah. You have a Spider-Man mask, see? No, yeah, but a Venom mask. Achha, you want a Venom mask? Yeah. Venom movie dekh nahi paaye tum. Dada, Hulk mask. Theek hai, shoes utar ke niche rakh do. Sorry? I am not watching the movie. Then? You are clapping and watching. Very nice. कितना एक्साइटेड हूँ मुझे बताओ आप। You're so excited. मूवी में ऐसे ही होता है, फर्स्ट एड कम्स, ट्रेलर कम्स एंड देन द मूवी कम्स। सी ट्रेलर्स विल कम नाउ। कब मूवीज में ना एड्स कम? Yeah, I know movies ads come, but why there's so many ads? This is though is nothing. No, so long. Yeah, I know, man. तो वो भी सो रही थी तो वो आराम से विंटर इन्जॉय करी थी, तो मैंने भी नैप ले लिया, मालिश करा ली, तो बेसिकली आज का दिन अच्छा आराम किया। सो दैट्स व्हाई आई एम प्रीटी हैप्पी, बट अब वेट नहीं हो रहा। एंड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आई है जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। ये ज़ारा का पैकेट आ गया है, मैंने कबीर के लिए कुछ ऑनलाइन विंटर क्लोथिंग ऑर्डर करा था, ज़्यादा नहीं, एक दो पेयर्स करे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि सौरभ के बिना अगर शॉपिंग खोल लो या देख लो तो ही फील्स लेफ्ट आउट, तो मुझे लिटरली वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर का। The other thing that I wanted to show you because important है, so guys winter का time आ गया है, winter में dryness बहुत ज़्यादा हो जाती है and मुझे तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, because क्या होता है कि आप मेरी lines हाथ देख सकते हो, ये देखिए जब मैं हाथों को स्ट्रेच करती हूँ तो यू कैन सी द लाइन्स। सो नूर के साथ क्या होता है कि कुछ भी करने से पहले, नूर को टच करने से पहले, चाहे उसका डायपर टच करना हो, बॉटल टच करनी हो या उसको चेंज करना हो, हम बहुत ज़्यादा हाथ वॉश करते हैं, तो इस टाइम पे जब आप हाथ वॉश करते हो तो आपके हाथ और भी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। मेरा फेस भी ड्राई फील कर रहा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, बट आई कैन स्टिल फील द स्ट्रेच। मुझे हमेशा फील होता है कि मुझे क्रीम लगाने की ज़रूरत है, बट हैंड्स तो लाइक अ लॉट। तो मैंने अपने लिए ले ली हैं कोल्ड क्रीम्स एंड गेस व्हाट, ये जो कोल्ड क्रीम्स हैं ये हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड्स की, विच इज़ मामा अर्थ, एंड आई एम सो हैप्पी दैट उन्होंने इस बार कोल्ड क्रीम्स लॉन्च करी हैं, बिकॉज दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर दिस वेदर। इसके तीन वेरियंट्स हैं, वाइटामिन सी, उपटन और कोको। तो मैं अभी आपको वाइटामिन सी वाला दिखाती हूँ।
एक तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत माइल्ड, बिल्कुल कोल्ड क्रीम वाली फ्रेग्रेंस। ये विटामिन सी है तो आप इसका कलर भी देख सकते हो और टेक्सचर भी देख सकते हो, तो प्रॉपर थिक टेक्सचर है। बट इसे लगाना इतना ईजी है और इतनी ईजिली आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाती है और इतना अच्छा ग्लो देती है कि आपको इंस्टेंटली अच्छा फील होने लग जाता है। आपको लगता है कि हाँ, जो मॉइस्चर है वो वापस आ गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। सो हम इसको लगा लेते हैं क्योंकि मैंने अपना फेस अभी वॉश किया था। तो इसके जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है गाइज, इसमें विटामिन सी है, इसमें हनी है, ऑलिव ऑयल है और इसमें ऑर्गेनिक लेमन ऑयल है, जो बेसिकली एक एंटीसेप्टिक का काम करता है और स्किन से सारी इम्प्योरिटीज को निकालता है। सो बस इस तरीके से हम इसे लगा लेंगे एंड ओ माई गॉड, आई फील सो गुड। एंड द स्मेल गाइज, इट इज़ अमेजिंग। ये इंडिया की फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड कोल्ड क्रीम है एंड क्योंकि ये ममाद की है तो 100% नेचुरल है, कोई टॉक्सिन्स नहीं, कोई केमिकल्स नहीं। तो आप जितनी बार भी अपनी स्किन पे लगा रहे हो ना, आप अपनी स्किन के लिए बेहतर ही कर रहे हो। सो दैट्स हाउ इट इज़। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कोशिश करना कि इसको ममाद की वेबसाइट या ऐप से ही लेना, बिकॉज उससे आपको एक तो 20% ऑफ मिल जाएगा मेरा कूपन कोड यूज़ करके MOMCOM2021, एंड दूसरा जब भी आप ममाद की वेबसाइट से कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके ऑर्डर के बिहाफ पे एक ट्री प्लांट करते हैं। और उनका ये इनिशिएटिव है कि बाय 2025 उन्होंने 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने हैं, विच इज सच अ गुड इनिशिएटिव। सो जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट इज इट। लुक नाउ, लुक एट दिस, सी नाउ दैट आई एम स्माइलिंग, कोई मुझे ड्राइनेस फील नहीं हो रही, लाइन्स फील नहीं हो रही, एंड लुक एट द शाइन ऑन माई फेस गाइज, जस्ट लुक एट दिस। एंड होता है ना वो गुगली गुगली वुश करते हैं ना, गुगली गुगली वुश, सो जस्ट लुक एट दिस हाउ नाइस इट इज। सो डेफिनेटली मेक इट अ पार्ट ऑफ योर विंटर स्किन केयर रिजीम, इट विल रियली रियली हेल्प योर स्किन। सी लुक एट द ग्लो। अच्छा योर पेप्सी इट इज, ओपन इट है ना। तुम्हें लग रहा है तुम पेप्सी पियोगे, मैं मम्मा को नहीं दिखाऊंगा। हाँ, हाउ इज इट, हाउ इज इट कबीर, हाउ इज द पेप्सी डार्लिंग। तो गाइज इस तरीके से कंक्लूड हुई एक सन एंड डैड का फन आउटिंग और हमने बहुत ज्यादा मस्ती करी, कबीर के साथ बहुत मस्ती करी। कबीर को स्पाइडरमैन वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी स्पाइडरमैन और ये पूरा सीरीज जो है वो बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बच्चों की तरह बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। तो वी तो डेफिनेटली लाइक्ड इट। मूवी जो थी वो थोड़ी लंबी थी, 2.5 घंटे की मूवी थी। वीर लास्ट के 15 मिनट थोड़ा सा रेस्टलेस हो गया था कि मूवी कब खत्म होगी, बट अदर देन दैट मतलब हैट्स ऑफ टू दिस गाय, ही हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड ही हैज अ लॉट ऑफ करेज। मेरे साथ मतलब उसने फन किया, पूरी मूवी देखी, विच फॉर हिज एज आई कैन अंडरस्टैंड कि उसको आधी चीजें तो वहां पे समझ में नहीं आ रही होंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट फिर भी उसने खींच लिया, दैट्स वेरी गुड। सो कबीर को टाइम जोन के बाद और ज्यादा वहां पे खेलना था, बट मैंने उसे किसी तरह कन्विंस कर लिया कि भैया खाना खा लो बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली हंग्री एंड विच ही वॉज। तो हम दोनों ने बैठ के वहां पे, और भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, तो हमने एक कोना पकड़ा, वहां पे बर्गर का एक मील लिया, फ्रेंच फ्राइज और पेप्सी वगैरह। तो हम दोनों ने वहां पे बहुत मस्ती करके खाया। खाने के बाद कबीर को आइसक्रीम भी खाना था, उसकी पूरी पिकनिक चल रही है, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उसने बटर स्कॉच आइसक्रीम खाया, वो भी बड़े मस्ती से खाया हमने। और अब कबीर पीछे चिल्ड आउट होके रिलैक्स कर रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो कबीर यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है और डैडी ड्राइव कर रहे हैं। आप क्यों नाक बंद कर रहे हो भैया, ऐसा क्या हो गया? पीएस इसके दिमाग में, जैसे ही मैं कैमरा ऐसे पकड़ता हूँ ना, उसके दिमाग में PS5 आ जाता है। तुम PS5 डिजर्व नहीं करते कबीर, अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें इंडिपेंडेंटली। PS5 की बाद में बात करेंगे, अभी घर चलते हैं, मम्मा वेट कर रही होगी। इस बंदे को मम्मा का कॉल आ गया। तो बेसिकली इतना टायर्ड हो गया था कि गाड़ी में बैठ के 2 मिनट बाद ही बिल्कुल सो गया। बट अच्छी बात है, एक पावर नैप ले लेगा तो शाम के लिए भी एनर्जी रहेगी क्योंकि उसकी क्लास वगैरह भी है। एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच होम, तो मैं उसे गाड़ी में 10-15 मिनट डेफिनेटली सोने दूंगा। बट कबीर मैं ले आऊंगा कल। ऐसा कर, आंसू नहीं बाबा। ओ माय गॉड।
अच्छा आराम से बोलो, आराम से चले जाएंगे। Go right now! अच्छा सो रही है वो, अंदर डर जाएगी वापस। Go right now! मेरा बच्चा इतना प्यार करता है अपनी सिस्टर से। सुना वो बलून में से ना हवा निकल गई थी, इसीलिए दादा निकाल रहे थे। हवा नहीं निकली थी तो ये हम कभी भी नूर का नेम यहाँ से कबीर एंड नूर हटाएंगे नहीं, हमेशा रखेंगे। और अगर दादा कबीर का आर हटाते तो दैट वुड हैव बीन ओके, दैट वाज ओके विद यू, बट नूर का आर हटा दिया तो इसलिए आप इतना क्राई कर रहे हो। फुल मस्ती करी, एक्साइटेड था, फिर बोल रहा था कि भाई इतना ज्यादा ट्रेलर क्यों आ रहा है, ऐड क्यों आ रहा है, मुझे नहीं देखना है ऐड। उसको चाहिए था कि भाई फटाफट मूवी लगाओ। फिर वहां पे हमें अभिजीत मिला। कौन अभिजीत? जो वो बुआ का लड़का नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। फिर वहां से हम लोग टाइम जोन गए। टाइम जोन में कुछ सब्सक्राइबर्स मिले, कबू को उन्होंने पहचाना। Really? कि भाई कबीर आ गया है यहाँ, तो कबीर आ गया है। बट कबीर ऑब्वियसली अपने गेम्स में खोया हुआ था। कह रहा है चलो मनाली चलते हैं, वहीं से कह रहा है कार में, कहते इनको छोड़ दो। अच्छा कार में उसने पावर नैप भी ले लिया 15 मिनट के लिए ना, कहते कि भाई प्ले जी इजी। अच्छा तो जी इजी लगाया उसने, नो लिमिट। और नो लिमिट में गाना सुनते सुनते सो गया, बताओ। फुल पहला बंदा है जो ना रैप सुनते सुनते सोता है। हाउ नाइस एंड जी इज अ गुड लिमिट। हां जी इजी इज अ गुड चॉइस। या ओके ओके यू वॉच योर वीडियो नाउ। ओके गाय, किसके लिए आया ये? कबीर एंड ओनली कबीर। ओके ओके, द फर्स्ट इज दिस स्वेटर विच आई एब्सोल्युटली लव। इतना मोटा स्वेटर है और इस तरह का पैटर्न कबीर के पास आज से दो विंटर्स पहले था, एंड इट लुक्ड सो नाइस ऑन हिम। इसी तरह का था, थोड़ा सा कलर अलग था बट स्टाइल ये था, थोड़ा हाई नेक। एंड द सेकेंड थिंग इज अ कूल सेट, तो ये भी एक विंटर सेट है। दिस इज द स्वेटर अगेन, ये थोड़ा हाई नेक है, उस वाले से हल्का सा पतला है बट मोटा ही स्वेटर है। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इट कम्स विद दीज वॉर्म ट्राउजर्स ऑल्सो, वेरी नाइस। तो ट्राउजर्स का भी जो मटेरियल है वो बिल्कुल ऐसा ही है, पर सिर्फ मुझे लग रहा है वेस्ट आएगी क्या कबीर को? आ जाएगी, इलास्टिक वाला है ना। हाँ। सो नूर इतनी नॉटी हो गई है कि जब मैं इसको टमी टाइम देती हूँ यहाँ पे डायपर एरिया में, तो पहले तो वो थोड़ी देर ना रिलैक्स करती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो हमें हेड कंट्रोल पे ही काम करना है, नेक कंट्रोल पे, तो थोड़ा सा हम लिफ्ट करेंगे। मेहनत कर लो थोड़ी सी। वेरी गुड, यस यस, वेरी नाइस। नाउ शी हैव टू लुक फॉरवर्ड। हाँ शी हैज़ टू, बट उसका नोज दब रहा है विच इज नॉट अ गुड थिंग। बस हमें ये ध्यान रखना है कि नोज नहीं दबना चाहिए। हाँ वेरी गुड नूर, वेरी गुड, गुड जॉब मेरे बच्चे, वेरी नाइस। एंड साइड कर लो वापस, साइड कर लो, नोज बिल्कुल नहीं दबना चाहिए, गुड जॉब। वो देखो पैर भी उठा रही है और हेड भी, गाइस लुक एट दैट, सो कूल। वो देखो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उसने इतना ऊपर कर लिया, लुक एट दैट, लुक एट दैट, कम ऑन नूर, वेरी गुड, यस 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 यस, वेरी नाइस, वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब गाइस। एक्चुअली उसने बहुत ऊपर कर लिया कबू, मैंने देखा नहीं, मिस कर वो कबू के मोटिवेशन से। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, यस थैंक यू भैया। भैया ने बहुत अच्छा पावर दिया और अब हम उस साइड भी मुड़ चुके हैं, सो हेड एक साइड से दूसरी साइड चला गया है, वेरी नाइस नूर। सो बस इस तरीके से एवरी डाइपर चेंज आप थोड़ा सा टमी टाइम दो, जस्ट फॉर लाइक वेरी फ्यू मिनट्स, सेकेंड्स भी चलेगा। इनिशियली कुछ बच्चों को पसंद नहीं भी आता है, वो क्राई करते हैं, विच इज़ ओके, बट टमी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर डेवलपमेंट। सो गाइस नूर को बहुत मज़ा आ रहा है, आप देख सकते हो वो करे जा रही है ये, अभी उसको ऑलरेडी 3 मिनट्स हो चुके हैं। बट यू नो हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि वन थिंग दैट हेल्प्स हर ना इज ये दैट ये सर्फेस थोड़ा सा हार्ड है, मतलब नीचे कुशन है बट हार्ड है ये, तो वो यहाँ पे अच्छे से कर पाती है। ये आप ना बेड पे नहीं कराना, बिकॉज ये सॉफ्ट सर्फेसिस के लिए नहीं होता, नहीं तो उनका स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगा। आप नीचे एक अच्छा मोटा मैट बिछा के भी कर सकते हो, जो थोड़ा मतलब उसका कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, बट जनरली टमी टाइम फ्लोर पे ही दिया जाता है मैट बिछा के। बट हमारे पास ये डायपर चेंजिंग स्टेशन है तो हमने यहाँ पे दे दिया, बट शी रियली रियली इन्जॉयज इट। ये देखो आराम से वो चिल मार रही है, कभी यहाँ दिखती है कभी वहाँ दिखती है, एंड दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑल्सो फॉर देम। तो बच्चे अच्छा थकते हैं
तो जो उनका अवेक विंडो है, यू नो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि उस अवेक विंडो में बच्चों के साथ क्या कराएं, तो आप उन्हें टमी टाइम कराओ, दे विल एंजॉय इट एंड इट विल हेल्प देम आल्सो अलोंग विद अदर एक्टिविटीज जो मैं आपसे और वीडियोस में शेयर करती रहूंगी।